हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कक्ष। आज इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं इम्प्लांटेशन प्रोसेस को। इम्प्लांटेशन प्रोसेस क्या है? इम्प्लांटेशन प्रोसेस में फर्टिलाइज्ड ओवम या फर्टिलाइज्ड एग फीमेल के यूटेरस में कैसे जाकर अटैच होता है, इसे हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको दिख रहा है डायग्राम। उस डायग्राम के एक पोर्शन को मैंने यहाँ पर क्या किया, जूम किया हुआ है। तो ओवरी से ओवम रिलीज होता है मंथ में एक, हर मंथ एक ओवम बनकर रिलीज होता है। तो जब ओवम यहाँ पर रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब ये ओवम जाकर कहाँ पर आ जाता है, एम्प्यूला रीजन में जाकर सेट हो जाता है, बैठ जाता है। एम्प्यूला रीजन में स्पर्म आकर इसे फ्यूज करता है, और जब स्पर्म इसे फ्यूज करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसे मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है डिटेल में, आप जरूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब ये फर्टिलाइज्ड एग बन चुका है, इसे बोलते हैं हम जाइगोट। अब ये जाइगोट में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन, जिसे हम यहाँ पर बोलेंगे क्लीवेज। तो जब सेल डिवाइड होगी तो एक से दो सेल बनी, देखिए टू सेल स्टेज, और फिर तीन से चार दिन में क्या बनेगा, मोरूला बन जाएगा। मतलब अब यहाँ पर ये टू सेल से फोर सेल स्टेज बनेगी, फोर सेल से फिर एट सेल स्टेज बनेगी। अब जब ये फोर सेल स्टेज में थे तो सेल्स क्या थी, कॉम्पैक्ट थी। कॉम्पैक्ट का मतलब एक दूसरे से लगी हुई थी, पास पास थी, बॉल की तरह। फिर एट सेल से फिर 16 सेल, ऐसे डिवाइड होती जाएंगी सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। तो अब यहाँ पर जब ये सेल डिवीजन बढ़ेगा आगे तो अनकॉम्पैक्ट सेल होंगी, मोरूला की सेल अब अनकॉम्पैक्ट होंगी। अनकॉम्पैक्ट का मतलब अब ये लूज होंगी, एक दूसरे से थोड़ा सा इनमें गैप आएगा, और गैप आने के बाद ये नेक्स्ट स्टेज में एंटर करेगी डे 5 में। वो कौन सा स्टेज है, वो है ब्लास्टुला स्टेज। देखिए, जो मोरूला था उसकी जो आउटर सेल थी उन्होंने क्या बना दिया, ट्रोफेक्टोडर्म बना दिया। ट्रोफेक्टोडर्म एक लेयर बना दी। ट्रोफेक्टोडर्म क्या होता है, ये आगे जाकर प्लेसेंटा बनाता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होगा। और ये है अंदर इनर सेल मास। इनर सेल मास ही तो है जो डिवाइड कर करके ये जो सेल्स है ना अंदर, ये यहाँ पर इनर सेल मास बनाएंगी। यही तो डिवाइड कर करके क्या बनाएंगी, एम्ब्रियो बनाएंगी आगे जाकर। और यहाँ पर ये जो गैप होगा इन सेल के बीच में, मैंने बोला लूज होंगी, इनके बीच में कुछ कुछ गैप आएगा, तो ये गैप क्या बनाएगा, ब्लास्टोसील। यहाँ पर कुछ फ्यूड भरा होता है, न्यूट्रिशियस फ्यूड। ये स्टेज कहलाता है अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। अब डे 6 to 7 में क्या होगा, 5 के बाद 6 to 7 डे में क्या होगा कि ओवम की जो आउटर लेयर थी वो थी जोना पेरुसिडा। अब ये जोना पेरुसिडा यहाँ पर टूटेगी, ब्रेक ऑफ होगी, और इसके ब्रेक ऑफ होने से क्या होगा कि उसके अंदर डेवलप हो रहे ये ब्लास्टुला जो स्टेज था, ब्लास्टोसिस्ट था, वो बाहर निकल आएगा। तो लेट ब्लास्टुला यहाँ पर बाहर निकल रहा है, जोना पेरुसिडा जो है वो क्या हो रही है, टूट रही है, और इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट हैचिंग। इस प्रोसेस को बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट हैचिंग। अब यहाँ पर देखिए, यही ब्लास्टुला जो है जाकर क्या होगा, इम्प्लांट होगा फीमेल के यूटेरस में। कैसे इम्प्लांट होगा, ये ब्लास्टुला यहाँ पर रोल होता होगा, रोल होता है, लुढ़कता, मतलब घूमते घूमते ऐसे आएगा, यहाँ पर लगेगा, और ये इसकी जो ट्रोफेक्टोडर्म है वो क्या करेगी, वो कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेगी। एंजाइम्स का काम क्या होगा, ये जो अंदर की लेयर है एंडोमीट्रियम, इसकी अंदर की लेयर क्या है, ये एंडोमीट्रियम। इस एंडोमीट्रियम को यहाँ पर तोड़ेगी कुछ एक एरिया में, इतने एरिया में यहाँ पर एंडोमीट्रियम की लेयर को तोड़ेगी, और इसमें कुछ मैक्रोफाज सेल भी होती जो यहाँ की एंडोमीट्रियम सेल को क्या करेगी, इंगल्फ खाएगी और तोड़ते जाएगी। अब यहाँ की एंडोमीट्रियम सेल जो है वो टूट चुकी है, तो फिर ट्रोफेक्टोडर्म क्या करेगी, यहाँ पर अंदर की तरफ देखिए कैसे जा रही है, ये अंदर की तरफ ऐसे, अंदर की तरफ ऐसे जाएगी जाएगी, और अंदर की तरफ जाने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से अटैच हो जाएगी।
काम करती है वो कौन सी हार्मोन है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन इन डेवलपिंग फॉलिकल से रिलीज होती है और वो क्या करती है, यहाँ की जो एंडोमेट्रियम लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर को वस्कुलराइज्ड बनाती ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल बन जाए। और प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज होती है ताकि ये एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो अच्छे से डेवलप हो जाए और ये पूरी तरीके से बन जाए, ताकि अब ये जो इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है यहाँ पर अब इसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो इनर सेल मास से और प्रोफेक्टोडम क्या रहे, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाए ताकि ये 9 मंथ तक यहाँ पर ये बने रहे। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम है कि मेनली वो एंडोमीट्रियम को क्या बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं ताकि एंडोमीट्रियम जो है इस इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर सके, 9 मंथ तक क्या कर सके, यहाँ पर होल्ड कर सके। बाद में ये भी खुद से ही प्रोजेस्टेरोन बनाने लगती है और कुछ हार्मोन बनाने लगती है ताकि यहाँ से जो सेल्स है वो मतलब डिटैच ना हो। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो एंडोमीट्रियम है ये इसको घेर लेती कुछ इस तरह से, एंडोमीट्रियम भी यहाँ पर इसे घेर लेती है और प्लेसेंटा क्या बनाती, प्लेसेंटा बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है जिससे न्यूट्रिशन लेते हैं। यहाँ पर कुछ सेल का एक्सप्रेशन भी होता है, वो कैसे सेल्स हैं और वो क्या बनाते हैं, सेल एडेशन प्रोटीन बनते हैं। ये क्या बना है यहाँ पर, सेल एडेशन प्रोटीन, जिससे ये इनर सेल मास लग चुका है। ये क्या है अंदर, ये अंदर इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास इससे जाकर पूरा लग चुका है, यहाँ प्रोफेक्टोडर्म भी रिलीज हो चुकी है। इसको थोड़ा मैं आपको एक्सपोज करके बताती हूँ कि देखिए ये क्या है, ये था हमारा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ये था इनर सेल मास, इनर सेल मास। अब यहाँ पर जो एंडोमीट्रियम थी वो टूट चुकी है, ये एंडोमीट्रियम यहाँ से टूट गई। अब इसने क्या किया, यहाँ पर सेल एडेशन प्रोटीन रिलीज कर दिए। ये सेल एडेशन प्रोटीन क्या थे, ये थे इंटेग्रिन, कैधरिन, मतलब ये सेल को जोड़ने वाले हैं, इनर सेल मास को यूटेरस से जोड़ने का काम करते हैं ये इंटेग्रिन और क्या, कैधरिन जैसे सेल एडेशन प्रोटीन। अब ये जो डेवलपिंग ब्लास्टुला था वो पूरा अटैच हो चुका है और जब ये यहाँ पर आके पूरी तरह से लग जाए तो इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मतलब इम्प्लांटेशन में ब्लास्टुला आकर अटैच हो जाता है फीमेल के यूटेरस में, एंडोमेट्रियम से लग जाता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।